सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विधेयक के अंदर संशोधन लेकर मैं आज इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कानून के अंदर एक बदलाव लेकर मैं आज इस सदन के सामने आया हूं। महोदय, एसपीजी का गठन 1985 में एक बीरबलनाथ कमेटी बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए विचार करने के लिए बनाई गई थी और उसने कुछ अनुशंसाएं की गई थी, उसके आधार पर एसपीजी का गठन हुआ था। शुरुआत में 85 से 88 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी और 88 में एक कानून बना और कानून के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा, जो प्रधानमंत्री जी की और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए काम करने लगा। माननीय, इसके बाद 91 और 94 में इसमें संशोधन हुआ, 99 में संशोधन हुआ और 2003 में संशोधन हुआ और आज फिर से मैं एक संशोधन लेकर आया हूं जो मूल एक्ट के भावना के अनुरूप है। इसका निष्कर्ष मैं बताना चाहता हूं, बिल आप सभी माननीय सदस्यों के पास आपके माध्यम से पहुंचा है। जो संशोधन होने के बाद ये एक्ट बनेगा, ये एक्ट के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध होगा और दूसरा, कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित किए गए आवास पर रहते हैं उनको 5 साल की अवधि तक ये एसपीजी प्रोटेक्शन उपलब्ध होगा। इस प्रकार का कानून में संशोधन लेकर आज मैं यहां पर आया हूं। माननीय, हमारे देश ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया है तो हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे संविधान के अनुरूप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी के पद के अनुरूप और उनके काम के अनुरूप और उनकी कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना गया है और वो इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में दो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसलिए एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया और इसकी चुस्तता और उसकी योग्यता बनाए रखने के लिए भी ये कानून जब लाया गया तब बनाया गया था। उसके बाद में अलग अलग समय पर इसको डाइल्यूट किया गया और आज वो कानून ये संशोधन के साथ पूर्ववत हो रहा है कि एसपीजी का सुरक्षा कवच केवल और केवल प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री होने के किस्से में उनको 5 साल तक उनके परिवार जो उनके साथ रहता है उन्हीं को मिलेगा। ये एसपीजी कवर इसलिए जरूरी है माननीय कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सारी व्यवस्थाएं काम करती है, देश को सुरक्षित करने का काम करती है। कई कठोर फैसले सामाजिक सुधार हेतु देश की सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए, कई देश की बाह्य सुरक्षा के जुड़े हुए लेते हैं और उस वक्त उनकी सुरक्षा के खतरे को जीरो करने के लिए, इसको संपूर्ण निर्मूल करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उसकी जरूरत है और इसीलिए इसकी बीरबलनाथ कमेटी ने अनुशंसा की थी जिसको बाद में कानून का स्वरूप दिया और इसकी जो भावना है वो उसी के नाम के अंदर ही निहित है। इसकी नामावली में ही इसका मूल अर्थ समाहित किया गया माननीय, और मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इसकी पूरी व्यवस्था पद के अनुसार बनाई गई। जनता के अंदर अखबारों में जब से बिल की चर्चा है तब से एक भ्रांति है कि सिर्फ एसपीजी सुरक्षा का काम करता है, तो मैं इसकी डिटेल में जरा थोड़ा जानना चाहता हूं कि एसपीजी
प्रधानमंत्री जी की ऑफिस की, उनके कम्युनिकेशन की, सबकी सुरक्षा का काम करता है। मगर आप मुझे सुने बगैर ही रिजेक्ट कर देंगे, मैं तात्पर्य तो बताऊं ना। अभी कुछ नहीं बताया, इसके सामने माननीय स्पेशल शब्द उपयोग किया गया है। यह केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के प्रति ये इंगित करता है। इंदिरा जी की हत्या के बाद जो बिरबलनाथ कमिटी बनी उसने कहा कि एक अत्यधिक प्रशिक्षित विशेष बल का प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सृजन करना चाहिए। तो स्पेशल शब्द इंगित करता है कि ये केवल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन शब्द है, इसमें केवल फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी का पद, उसकी गरिमा, प्रधानमंत्री पद एज ए इंस्टीट्यूशन, उनका कार्यालय, उनका आरोग्य और उनके कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों की चिंता करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्याध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। और ग्रुप से है, एलीट ग्रुप होना चाहिए, कॉम्पैक्ट एलीट और विशेष प्रकार से प्रशिक्षित यूनिट होना चाहिए, जिसका कार्यकलाप इस तरह से तय किया जाएगा कि इनकी चुस्तता में कहीं पर भी डाइल्यूशन नहीं होगा। इस प्रकार से एसपीजी को बनाया गया है। माननीयवर, जहां पूरे देश भर की, दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में कई देशों के अंदर उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन ग्रुप बने हैं, और दुनिया में सभी जगह वो प्रोटेक्शन ग्रुप केवल और केवल राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इनकी कम्युनिकेशन ऑफिस, उनके काम करने की जगह, ये सबके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अमेरिका में यूएस सीक्रेट सर्विस है, इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जगह पे इस प्रकार की व्यवस्था है, जो केवल और केवल राष्ट्राध्यक्ष उनके काम की चिंता करती है। माननीयवर, मैं इसीलिए आज ये बिल को लेकर सदन के सामने आया हूँ। स्वागतदा का कहना है कि बाद में चर्चा के बाद मैं जवाब दूँ। हाँ, बाद में मैं जवाब दूंगा, मगर इसके पीछे उद्देश्य इतना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एफिशिएंट बने और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के काम में कोई गोताही न हो, इस प्रकार से इसको काम की व्यवस्था करके देना, ये उद्देश्य मैं आज इसको लेकर आया। मेरा अनुरोध है सभी अपने अपने विचार रखें और इसके बिल को बाद में आप लोग स्वीकार करें, यही भी मैं अनुरोध करता हूँ।